ये हमारा बिल्कुल न्यू रेसिपी बना के दिखाएंगे, जो सोयाबीन प्रोटीन सलाद है। ये सोयाबीन, गाजर, पनीर और अंकुरित मूंग से बना है। तो हमने इसमें 50 ग्राम पनीर और एक गाजर और ये सोयाबीन भिगो के लिया है, और इसमें 100 ग्राम खड़ी मूंग की दाल है जिसे हमने भिगो के अंकुरित किया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, और इसमें जो खड़ी मूंग की अंकुरित दाल है इसे हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे फिर भूनेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक। तो ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे और गाजर को भी इसके साथ 5 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे ढक कर, तो गाजर भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गाजर भी सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो इसमें हम अब सोयाबीन डाल देंगे, ये पहले से हमने भिगो के इसे हमने रखा था तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये पनीर डाल देंगे, ये हमारा 100 ग्राम पनीर है और एक बड़े साइज का गाजर, और इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब ये रेडी है हमारा सोया प्रोटीन सलाद, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा इसे के ऊपर हम भुना हुआ जीरा डालेंगे और ये 1 चम्मच हनी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने प्याज और हरा धनिया का यूज नहीं किया है, वो इसी तरह ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहिए तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन जो चाट मसाला हमने डाला है उसमें काली मिर्च डाला हुआ है, तो ये इसी तरह टेस्टी लगता है खाने में। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।